बोलो, डाउट्स बोलो। चलो एक काम करता हूँ, फास्ट फास्ट सारे ही कर देता हूँ। द मीडियन ऑफ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5। इफ ईच ऑफ द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2। तो मीडियन पे कोई फर्क पड़ेगा? मीडियन तो मिडिल मोस्ट एलिमेंट है ना, फिफ्थ एलिमेंट, उसके बाद वाले बढ़ाए हैं, उससे क्या करना? मीडियम विल रिमेन द सेम। 52। द मीडियन ऑफ 19 ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप ऑफ 30। 19 ऑब्जर्वेशन, तो मिडिल हो गया x10। x10 मिडिल हो गया 19 प्लस 1 बाई 2। और इसका ऑब्जर्वेशन इज सॉरी मीडियन इज 30, दैट मीन्स x10 इज 30। टू ऑब्जर्वेशन 8 एंड 32 आर फर्दर इंक्लूडेड। तो दिख रहा है एक इसके आगे आने वाला है, एक इसके बाहर, तो मीडियन विल रिमेन अगेन सेम। मीडियन विल रिमेन द सेम। बताओ इसमें टाइम लगेगा तो क्वेश्चन, मतलब विद इन 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। भाई गिनवाऊंगा मैं तुम्हें, कितना बच्चों टाइप पेपर था फिर भी तुम्हारा क्या स्कोर आया? 53। ये भी शीट में था, डैट इज फ्रॉम डीप पी पी, जो भी अपन ने शीट दी थी उसमें था ना ये। वेरिएबल जीरो टेक्स द, इसकी फ्रीक्वेंसी एन सी जीरो प्लस 1 इंटू एन सी 1 एंड 2 इंटू एन सी 2 एंड n इंटू एन सी एन। दिस इज सम ऑफ सिग्मा एक्स आई एफ आई जो ऊपर लिखा है, और नीचे सिग्मा एफ आई मतलब एन सी आर, और ऊपर वाला भी स्टैंडर्ड सीरीज है आर एन सी आर, दैट इज एन इंटू 2 की पावर एन एन माइनस 1, और नीचे 2 की पावर एन, दैट इज एन बाई 2। दैट इज फ्रॉम द शीट जो दी थी। The marks of some student were listed out of 75. The standard deviation, जो पुराना standard deviation था, let's say sigma है, that is 9. Subsequently, the marks were raised to the maximum of 100. The variance, तो 75 से 100 कैसे आया? 3 by 4 से multiply किया, 4 by 3 से, तो variance भी 4 by 3 से multiply होगा, तो 9 into 4 by 3. अगर हर एक sample को मैं अगर A से multiply करता हूँ तो वेरियंस विल ऑल्सो चेंज। सिग्मा ए वेरियंस पूछा है क्या, क्या पूछा है? न्यू वेरियंस बोला है, तो सिग्मा मॉड ए स्क्वायर से, तो 4 बाय कितना होगा स्क्वायर, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो केवल 4 बाय 3, ठीक है ना? क्या हुआ था फिर? चलो बात करेंगे अपन, पहले टेली डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 55 क्या बोला इसने? कन्वर्स, पी एरो क्यू का कन्वर्स क्या होता था? क्यू एरो पी, नहीं करवाया? कन्वर्स इनवर्स नेगेशन एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, चार कॉलम बनाए थे हमने टेबल में, पी एरो क्यू का क्यू एरो पी, तो दिख रहा है ना क्लियरली? अब इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 देन इट इज डिविजिबल बाय 5, इसका कन्वर्स क्या होगा? इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 देन इट इज डिविजिबल बाय 10 एंड वाइस वर्सा। तो Q is converse of P and P is converse of Q, both are correct. याद है कुछ? याद तो सब नंबर नहीं आते बस। 56, the inverse of the proposition this, inverse, अब inverse क्या होता था? दोनों जगह not लगा देते बस, P arrow Q का inverse, not P arrow not Q, ये होता था inverse, पता नहीं यार, और क्यू एरो पी जो था वो कन्वर्स, और नॉट क्यू एरो नॉट पी दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ठीक है ना, ये सब था। और नेगेशन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, नेगेशन इज पी एरो क्यू का, दिस इज नेगेशन। ये चारों चीज कॉलम बनवाई थी। अब इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स अब किसका बोला है? P intersection not Q, P intersection not Q, arrow R, तो इसमें नॉट लगा दो, इसमें नॉट लगा दो, इनवर्स में दोनों पे नॉट लगाना है तो इसमें नॉट लगाओगे, तो डी मॉर्गन्स लॉ से नॉट को अंदर ले गए, तो नॉट P intersection यूनियन में नॉट ऑफ नॉट Q, Q arrow R नॉट R, खत्म।
20 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस पेपर, जिसमें कि मैथमेटिकल रीजनिंग वाला तो 5-7 मिनट का पार्ट था, जो भी था कैलकुलेशन थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स में था। द लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन पी डबल एरो क्यू, ये तो नोट्स डायरेक्टली है। टू साइडेड प्रॉमिस, टू वे कॉन्ट्रैक्ट, तो वन वे कॉन्ट्रैक्ट इंटरसेक्शन दूसरा, ये तो क्लास में डायरेक्ट लिखवाया है नोट्स में। पी डबल साइडेड एरो क्यू इज पी एरो क्यू इंटरसेक्शन क्यू एरो पी, डायरेक्टली मतलब देखना ही नहीं है, डायरेक्ट टिक करना है, मतलब पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। 58 इज अगेन फ्रॉम द क्लास नोट्स, पी एरो समथिंग इज फॉल्स, मतलब पहले का ट्रू, पहला फॉल्स कब आता है उसमें, जब हम ट्रू हो फिर फॉल्स हो, ये होता है ना, प्रॉमिस तब ब्रेक होती है व्हेन इफ पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स। तो अब पी इज, ये तो पी का वैल्यू हो गया ट्रूथ वैल्यू, एंड ये पूरे दूसरे वाले का, दूसरा वाला है क्या, नॉट पी यूनियन क्यू, अब क्यू तो ट्रू है। एक मिनट, कौन से पे आ गया अपन, 58 ना, नॉट पी यूनियन क्यू, हाँ तो ये फॉल्स होना चाहिए, तो क्यू तो फॉल्स है, नॉट पी को भी फॉल्स होना चाहिए, तो नॉट पी तो इधर से आई गया फॉल्स, दिस इज फॉल्स, अब फॉल्स का यूनियन फॉल्स के साथ ही होगा तभी फॉल्स आएगा, तो क्यू शुड बी फॉल्स। क्लास नोट्स में था सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा अभी अंतर नहीं है। द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड एफ आर, पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू, नॉट ट्रूथ वैल्यू ऑफ, बताओ ये क्या क्वेश्चन है, पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू, अभी नहीं दिख रहा, पी इज फॉल्स इंटरसेक्शन, अब फॉल्स का किसी के साथ भी लो, फॉल्स ही होने मांगे, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब बोर्ड में भी कोई नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन था ये। द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है ड्यूअल नहीं पढ़ाया था, एक क्वेश्चन हटा सकते हैं इसको हम। ड्यूअल में क्या होता है, एंड को इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट करते हैं और यूनियन को इंटरसेक्शन, दैट्स इट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, किसी भी स्टेटमेंट का ड्यूअल में एंड को और को एंड, दैट्स इट, नेगेशन विल रिमेन एज इट इज, तो जस्ट वो देख लो, उसने यूनियन वाला इंटरसेक्शन में कर दो तो पी यूनियन दिया है तो इधर इंटरसेक्शन क्यू और यूनियन आर तो इंटरसेक्शन आर, दैट्स इट, दैट मैचेस ऑप्शन बी, ठीक है, जिसको नहीं पता था ड्यूअल, और वैसे भी ये कभी आया नहीं है बट ठीक है। 61, अब बताओ ये सब तो 8th 9th में पढ़ते हैं क्वेश्चन, ये बॉक्स है, ये 100 जो भी है 100 लेंथ है इसका, इधर वो 100 मीटर पर आवर से भग रहा है, इधर 200 मीटर पर आवर, माइल्स पर आवर जो भी है, 300 माइल्स पर आवर, 400 माइल्स पर आवर, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो टोटल डिस्टेंस तो दिख रहा है 100 100 100 400, अब टाइम निकालना है टोटल टाइम, बस इंडिविजुअल टाइम ऐड कर दो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इधर से आएगा 100 अपॉन 100, इधर आएगा 100 अपॉन 200 हाफ, 100 अपॉन 300 1/3, 100 अपॉन 1/4, तो बस ये चारों ऐड करके इधर टोटल टाइम में लिख दो, 1 + ½ + 1/3 + 1/4, बताओ कितने क्वेश्चन हो गए डिस्कस अपने, 61। अब बताओ इसमें एक भी क्वेश्चन गलत होने लायक था, चलो मान लिया ड्यूअल वाला हटा दिया, नहीं पता उसकी थ्योरी, एक्सेप्ट दैट, कोई गलत है तुम्हारा, शुरू के 10 सही है पूरे, तुम्हारा 77 था ना, हाँ तुम्हारा क्या हुआ 7, इसमें 11 में कितना गलत हो गया, 3 गलत हो गया, कौन कौन सा बताना थोड़ा मुझे, 54, एक मिनट रुक जाओ, 54 गलत हो गया, 55 भी गलत हो गया नोट्स, और 56 इनवर्स, मतलब तुमने, अच्छा एक बार बताओ, चलो एक बार मैं कैमरा ऑफ हो जाए, एक बार मैं डिस्कस कर दूँ उसके बाद तो मैं बात करता हूँ तुम्हें, ठीक है ना, मुझे लास्ट के 2 वीक्स का पूरा एग्जीक्यूशन चाहिए, हर घंटे तुमने क्या किया, कितना घंटे पढ़ा मैथ्स, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो लिटरली आई विल टॉक टू मैम, you are not allowed to sit in my class at least. I cannot comment about Vinod sir class and whatever chemistry class, but I will not allow you. Next, 62. The mean and median of 100 of the... So, 100
इट इज 110, तो चेंज कितने का है? 10 का चेंज है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 100 आइटम, तो 0.1 से बढ़ेगा मीडियन, वो मीन। तो ये तो अपना पहला क्लास का पहला लेक्चर है, परसेंट ओल्ड न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस माइनस वॉट एवर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेंज अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 0.1 से बढ़ेगा। और अगर द ट्रू वैल्यू ऑन द मीडियन आर, और मीडियन में कोई चेंज होगा क्या? नंबर हमने रिप्लेस किया ना उसको, इधर से जो मीडियन पहले था उसकी लोकेशन तो अभी भी वही है, तो मीडियन विल रिमेन द सेम। 63 किया, 63 मतलब देख लो एक बार, एक्स आई उसने बोला है कि लेस देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अच्छा पहले मुझे ये बताओ कि उसने बोला है कि जो जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं वो ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं, व्हाट इज द मिनिमम मीन कैन यू टेल? सबसे छोटा मीन कितना हो सकता है जब सारे एलिमेंट्स ए हो जाए? अगर मैंने बोला कि पांच ऑब्जर्वेशन है, सबसे लीस्ट मीन कब आएगा? व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर सारे छोटे छोटे हो जाएं, और सबसे बड़ा मीन कब आएगा? जब सारे बड़े बड़े हो जाएं। तो कैन आई ऑल्सो राइट जो एक्स बार है दैट विल बी लेस देन इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए? मतलब ऑब्वियसली बात है, नहीं तो तुम ऐसा करो, नहीं आ रहा समझ में कोई दिक्कत नहीं, सिग्मा ले लो इसमें। इफ़ यू विल टेक सिग्मा, चलो सिग्मा लेके बताता हूँ, यही चीज मैं सिग्मा ले रहा हूँ, तो सिग्मा ए लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा बी। अभी तो एक कॉन्स्टेंट है, सिग्मा बी इज एन टाइम्स बी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सिग्मा ए, मतलब एन इंटू ए। अब एन से डिवाइड कर दिया एंड दिस इज वॉट एक्स बार, तो एक्स बार इज लाइंग बिटवीन ए टू बी, ठीक है ना। अब मुझे वेरियंस के लिए क्या चाहिए होता है? वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन। एक्स आई माइनस एक्स बार टाइप की चीज़ चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मुझे, और इसका भी सिग्मा चाहिए होता है, तो आई वॉन्ट टू डिफरेंस दिस। बट बिफोर दैट एक्स बार नेगेटिव के साथ है, तो क्या करूँ? माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, एल मल्टीप्लाई विद इनइक्वालिटी विद माइनस वन, माइनस वन, सो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, सो आई विल राइट इट माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस बी। उसको उल्टा करके लिख लेता हूँ, माइनस एक्स बार इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस बी। नाउ ये वाला और ये वाला, इफ आई एड अप यू विल गेट एक्स बार माइनस एक्स, एक्स बार माइनस एक्स आई, सो एक्स बार माइनस एक्स आई, ये एक्स, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, एक्स बार माइनस एक्स बार के साथ मुझे चाहिए था ना, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, अब ठीक है, तो मैं इसको नहीं, अब इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार लेस देन इक्वल्स टू बी माइनस ए एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब ये क्या लिखा है एक तरीके से, याद है कुछ? मैंने लिखा एक नंबर है एक्स, वो लेस देन इक्वल्स टू टू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू है, तो इसका मतलब हम बोलते थे ना मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लेस देन टू, उसका मैग्नीट्यूड टू से छोटा है, तो व्हाट आई विल राइट हियर, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार दैट इज लेस देन बी माइनस ए। अगर एक्स मेरा माइनस फाइव से फाइव जा रहा है दैट मीन्स मॉड एक्स इज लेस देन फाइव, वही चीज़ लिखा है। नाउ आई विल स्क्वायर, ऐसा कर क्यों रहा हूँ? बिकॉज मुझे ये चीज़ चाहिए। नाउ आई विल टेक सिग्मा, ये तो कॉन्स्टेंट है, बी माइनस ए का स्क्वायर, तो ये हो गया बी माइनस ए का स्क्वायर इन टू एन, फिर एन को इसके नीचे लेके आए, ठीक है, समझ में आया? क्या हुआ, क्या बाद में लिखोगे? ठीक है चलेगा, अच्छा फिर ठीक है, हाँ देख उसमें भी देख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, अब जल्दी ख़त्म करते हैं। हाँ नेक्स्ट 64, ये तो क्लास नोट में लिखवाया था, मीन डेविएशन का मिनिमम होता है,
अबाउट वाई लिखवाया था, उधर वो डिफरेंशिएट करके जीरो कहता है अबाउट मीन, और मीन क्या होगा, सर मीडियन होता है बीच वाला, एक मिनट एक मिनट, क्या लिखा है इसमें, हाँ तो बीच वाला ही वही सेम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इट इज ऑल आर ट्रू, सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं इसमें, पी एरो क्यू, चले के करके देख लेते हैं, पी एरो क्यू नॉट पी एरो नॉट क्यू, लॉजिकली इक्विवेलेंट है दोनों, नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट गलती हो गई, गलती गलती, ये नहीं दूसरा है वो, एक एक ऑप्शन देख लेते हैं, पी एरो क्यू उसने बोला है नॉट पी एरो नॉट क्यू, क्या दोनों बराबर है, एक तो ट्रुथ टेबल से कर सकते हो, अदरवाइज हम स्विच रूल लॉ से देख लेते हैं, स्विच रूल लॉ से देखते हैं, तो पी एरो क्यू होता था नॉट पी यूनियन क्यू, और ये हो गया नॉट ऑफ नॉट पी, मतलब पी यूनियन नॉट क्यू, अगर अभी भी देखना है तो वेन डायग्राम से भी देख सकते हो, 1 2 3 4, तो नॉट पी मतलब ये लेट से ये पी है ये क्यू है, तो नॉट पी मतलब 3 4, ये 3 4 और क्यू मतलब 2 3, इन दोनों का यूनियन 2 3 4, और पी का इधर पी के हिसाब से 1 2, तो दिख रहा है यूनियन है 1 भी आ रहा है, तो गलत ही है वैसे भी, पहला गलत। उसके बाद बी ऑप्शन नॉट ऑफ पी एरो नॉट क्यू, अगेन स्विच रूल ऑफ पी एरो नॉट क्यू को नॉट पी यूरो नॉट पी यूनियन नॉट क्यू, इसका नॉट लेना है, नॉट को अंदर लेके डी मॉर्गन्स लॉ। थर्ड ऑप्शन अगेन डी मॉर्गन्स लॉ, पहले अंदर वाले को स्विच रूल ऑफ फिर डी मॉर्गन्स लॉ, नॉट को अंदर लेके गए थर्ड ऑप्शन भी हो जाएगा। एंड फोर्थ वन इज नॉट ऑफ पी एरो क्यू इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ पी एरो क्यू इंटरसेक्शन नॉट ऑफ क्यू एरो पी, अगेन यू कैन अप्लाई क्या बोलते हैं अपना स्विच रूल ऑफ, करूँ क्या हो जाएगा, आया ये आया, और नहीं तो सब कुछ अगर मान लो स्विच रूल ऑफ नहीं लगाना तो यू कैन गो विद ट्रुथ टेबल ऑल्सो। नेक्स्ट, नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, अब नॉट पी, अब मुझे खुद सोचो मुझे नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू दे रखा है, ठीक है ना, अब मुझे इसको एरो में कन्वर्ट करना है, तो ऑफकोर्स एरो के लिए स्विच रूल लॉ वाले फॉर्म में लाना पड़ेगा, और स्विच रूल लॉ जब हम लगाते हैं तो यूनियन होता है, तो उसको मेरे को यूनियन में कन्वर्ट करना है, पहला स्टेप मतलब इंटरसेक्शन से यूनियन में जाऊँगा, यूनियन से एरो में जाऊँगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ उल्टे डायरेक्शन में लगा देते हैं, तो मैं नॉट ऑफ पी यूनियन नॉट क्यू, ओपन करके देख लो, वैन यू ओपन दिस यू विल गेट दिस, नॉट को अंदर लेके जाएंगे नॉट पी इंटरसेक्शन क्यू, अब ये पी यूनियन नॉट क्यू को क्या लिख सकते, अब मुझे पता है कि पी एरो क्यू का जब मैं स्विच रूल लगाता हूँ तो नॉट पी यूनियन क्यू होता है, मतलब ये वाली पहली वाली चीज़ का नॉट होता है इधर, तो नॉट पहले ले लेता हूँ, और यूनियन तो मुझे पता है कम्यूटेटिव होता है, पी यूनियन नॉट क्यू सेम एज नॉट क्यू यूनियन पी, तो आई कैन राइट नॉट ऑफ नॉट क्यू यूनियन पी, अब ये इस फॉर्म में आ गया, तो क्या करना है क्यू एरो पी नॉट ऑफ, सिंपल है ये भी, कैसे किया था तुम्हारा सही होगा, तुम्हारा दोनों का सही था। नेक्स्ट, हाँ ये इसमें ये सारे सही हैं, ये तो ऑप्शन सारे सही हैं, तो एक्चुअली दिस शुड बी अ मतलब बोनस मार्क्स 67, जाने दो क्या, ठीक है ना, 67 में ऑल ऑप्शन रहा करेक्ट, एंड सारे ऑप्शन एकदम चिंदी चिंदी से हैं, तो करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाले ऑप्शन हैं, ठीक है। उसके बाद 68 द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो सिंपल है ये तो, क्लास नोट में किया है इस टाइप का, किया है कि नहीं बताना थोड़ा, हाँ बोलो आहिल, हाँ तो मीन तो वैसे भी देखो ये एपी में है ना सारे टर्म्स, तो मिडिल एलिमेंट इज द मीन, मिडिल एलिमेंट अब दिख रहा है इसमें 2n+1 ऑब्जर्वेशन हैं, तो 2n+1+1/2 मतलब n+1 है तो ऑब्जर्वेशन, और n+1 है तो ऑब्जर्वेशन एपी में क्या होता है, ए प्लस n+1-1 ए प्लस एन डी, हाँ तो अब सबको माइनस करेंगे, मुझे पता है कि आधी सीरीज ही लिखूंगा मैं, वो मॉड लेते ना वैसे भी ट्वाइस हो जाती है, तो ये सबके नीचे लिख के वैन यू विल पुट, देखो ऐसे ए लिखा ए प्लस डी लिखा ए प्लस 2d एंड सो ऑन, बीच में कहीं तो ए प्लस एन डी आएगा, फिर आएगा ए प्लस n+1 × d एंड सो ऑन, इट विल गो ए प्लस 2nd, दिस इज द मिडिल मोस्ट,
तो इसका मीन जब इसको मैं इसके नीचे लिखूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके करस्पॉन्डिंग तो जीरो आएगा, इधर जो एडिशन आएगा वही उधर आएगा, तो वील मेक इट ट्वाइस। इसके नीचे क्या लिख रहा हूँ, ए प्लस एन डी, नाउ व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट तो ये क्या आएगा, एन डी प्लस, अभी एक बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये एन माइनस वन इंटू डी एंड सो ऑन, एक एक डी कम होता जा रहा है, जीरो पे आ रहा है, तो जीरो से पहले क्या होगा, डी जीरो, बस इसका एडिशन का ट्वाइस अपॉन एन, एन नहीं मतलब टू एन प्लस वन अपॉन टू एन, और वैसे भी दिख रहा है देखो, अब जब तुम इसको ऐड करोगे कहीं तुम्हें डी स्क्वायर जनरेट होता हुआ दिख रहा है, व्हेन यू ऐड दिस यू कैन यू विल टेक डी कॉमन ना, तो सभी ऑप्शन में डी स्क्वायर है, वैसे ही गलत हो गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, व्हेन यू विल टेक डी कॉमन डी स्क्वायर दिख ही नहीं रहा ना। नेक्स्ट, पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट, देन पी एरो क्यू एरो, हाँ अब पी एरो क्यू और नॉट क्यू एरो नॉट पी, दीज टू आर लॉजिकल इक्विवेलेंट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है उसका, वो पहले वाले का दूसरा जो है वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, तो अब मैंने बोला कि अब हमारी जो ट्रूथ टेबल होती थी, लेट से मैंने बोला ए एरो बी की क्या होता था, जैसे मान लो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, तो उसने क्या बोला है कि एक मिनट, मतलब ए और बी बराबर ही है ना, तो जब मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी बराबर है, लेट्स से दिस इज ए दिस इज बी, जब बराबर बराबर होते मतलब दीज टू, इन दोनों का करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आता है, ट्रू, सो इट इज अ टॉटोलॉजी, नो नीड टू मेक ट्रूथ टेबल ऑल्सो, डायरेक्टली यू कैन कमेंट बाय दिस लॉजिक कि मतलब ए एरो बी है, ए इज इक्वेलेंट टू बी, तो मतलब या तो ट्रू ट्रू होंगे या फॉल्स फॉल्स होंगे, और अगर ट्रू ट्रू होंगे तो भी आउटपुट क्या होता है, ट्रू होगा, इसी केस में केवल फॉल्स होता है वो तो आई इंक्लूड ही नहीं हो रहा हमारा, हेंस इट इज टॉटोलॉजी। क्लियर हुआ अहेल, किया था ये एग्जाम में किया था, गुड। नेक्स्ट, ये भी एकदम मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 70 आई विल नॉट डिस्कस, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, 71 प्रोसीजरल है कैलकुलेशन, 71 इज कैलकुलेटिव वन, मतलब सिंपल वो नंबर्स जो दे रखे हैं वो एपी में दे रखे, कॉमन डिफरेंस टू के साथ, यू हैव टू कैलकुलेट मीन, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट और वो सब ये करके आ जाएगा, ठीक है ना। 71 मैं नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अ प्रोसीजरल, मतलब थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाना है, हाँ मान सकता हूँ कैलकुलेशन होगा थोड़ा बहुत, 1009 का स्क्वायर कुछ आता है मीन टाइप का, तो ठीक है कैलकुलेटिव है बट इट इज़ ईजी। नेक्स्ट 72 किस किया तुम में से किसी ने, नहीं आया तुम्हारा, आ गया तो तुम्हारी गलती, चलो अभी बात करते हैं अपन गलत कौन कौन से हुए। 72 इफ़ द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो उस मीडियन के अबाउट मुझे डेविएशन निकालना है, तो ये भी ठीक क्वेश्चन है, इतना लल्लू नहीं है, तो मिडिल 50 इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो दो टर्म्स का एवरेज इज मीडियन, तो दो मिडिल टर्म्स क्या आएंगे, एन बाई टू एंड एन बाई टू प्लस वन, तो मतलब 25A और 26A, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन इज वॉट मीडियन, दैट इज 25.5A, ये जा रहा है और ये अपना 50A तक जा रहा है, ये मीडियन होगा, तो अपन ना जो फॉर्मूला था सिग्मा मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स, लेट्स इसको मैं एक्स बार बोल रहा हूँ अपॉन एन, इधर मुझे ये मीडियन रखना है बस, और क्या चेंजेस है, तो मैं 0.25.5 सब में से घटा देता हूँ, तो आई विल सब्ट्रैक्ट, तो देखना इसके बाद तो कोई इसके बाद तो सेम बनेगी सीरीज, तो आई विल स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग 25.5A माइनस A 24.5A, फिर एक एक से कम हो जाएगा 23.5A, एंड लास्टली व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 25A इट विल बी 0.5A, ऐसा ही उधर रेप्लिकेट होगा, सिंपली थे ट्वाइस ऑफ दिस, तो ये तो अभी न्यूमरेटर आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 50, दैट्स इट। ऐसे किया था तुमने, तुम्हारा आया, चलो नेक्स्ट, अभी लास्ट के तो मतलब प्रॉपर्टी वेज है, एक भी क्वेश्चन पेपर पेन की जरूरत नहीं है, ऑल द लास्ट थ्री क्वेश्चंस, स्टैंडर्ड डेविएशन x1 x2 x3 अप टू xn इज 3.5 जो भी दे रखा है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस, तो मॉड ए टू टाइम्स, तो टू ऑफ 3.57,
if first two samples are 100 items with mean this and again this is from that test paper bulky wala formula yaad hai tum logon ne pucha bhi tha ek bar formula likh lete hain to sigma x1 bar is sigma 1 x series hai jisme number of observation n1 hai x bar 2 sigma 2 isme n2 hai तो इनका दो फॉर्मूले लिखे थे एक तो मीन का और एक वेरिएंस का तो मीन ऑफ एक्स इज एन वन टाइम्स एक्स वन बार प्लस एन टू टाइम्स एक्स टू बार डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू एंड व्हाट अबाउट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एन वन टाइम्स सिग्मा वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर प्लस एन टू टाइम्स सिग्मा टू स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर डिवाइड बाय एन वन प्लस एन टू एंड डी वन इज एक्स माइनस एक्स वन बार एंड डी टू इज एक्स माइनस एक्स टू बार सेम क्वेश्चन जो कराया था वो इंटीजर टाइप जो तुम्हें प्रैक्टिस कराई थी सेम क्वेश्चन था डाटा के साथ भी आई थिंक डाटा भी सेम था ना ओके 75 स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है इसका आप देख रहा है वो सीरीज कैसे आएगी 20 ऐड करने पे आ रही है और ऐड करने से डेविएशन चेंज होता है क्या नहीं सो इट इज रूट 10 ओनली क्लियर है दैट्स इट अबाउट पेपर ठीक है